गुरुजी की मास्टर क्लास। जय शनि। आज की इस मास्टर क्लास में, जो कि 14वीं मास्टर क्लास है, वहां पर गुरुजी चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रमा देवता, जो कि मन के कारक है, यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तो इसके क्या शुभ और अशुभ फल जातक को मिलते हैं। बिना विलंब के साथ आज की इस मास्टर क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखें, क्योंकि गुरुजी इसमें अपने 33 वर्षों के ज्ञान का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। बड़े ही मुश्किल कंसेप्ट को बड़े ही सरल शब्दों में आप सभी को समझाने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जैसा कि इस जन्म कुंडली में आप देख पा रहे हैं जो स्क्रीन पर इस समय आ रही है, तो इस जन्म कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा होता तो आदमी तार्क मतलब बात करने में प्रवीण होता है, मधुरभाषी होता है, उस मीठा बोलने वाला होता है, सुखी होता है, धन धान्य से सुखी होता है, अपने कुटुंब को, अपने नाते रिश्तेदारों को प्रेम करने वाला होता है, धन को इकट्ठा करने वाला होता है, उसके पास धन आकर इकट्ठा होने लगता है, सोने चांदी के चीजों से लाभ को प्राप्त करने वाला होता है, यानी ज्वेलर भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्वेलर सबसे ज्यादा सोने चांदी की चीजों से लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन यहां चंद्रमा का विशेष योगदान चांदी के साथ जुड़ा हुआ है, चांदी के साथ या रत्नों के साथ, तो जो रत्नों का व्यापार करते हैं उनके साथ विशेष रूप से चंद्रमा का यह भाव जुड़ा हुआ है, तो ये रत्नों का व्यापार भी ज्वेलरी करते हैं, तो उनको लाभ पहुंचाने वाला होता है। साथ ही साथ अपने परिवारजनों से, अपने कुटुंबजनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बंधुओं से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, उनको भी सुखी रखने वाला होता है उनके मन मुताबिक, और उनका आशीर्वाद नित्य प्रति प्राप्त करने वाला होता है। यह चंद्रमा आपको विदेश जाने के लिए भी प्रेरणा देता है, विदेश में ले जाता है, लेकिन इसमें आपके भाई बहन आपको बहुत मदद करते हैं, आपके कुटुंबजन, आपके परिवारजन आपको विदेश पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं। किंतु यही चंद्रमा जब नीच का होता है या शत्रु के घर में बैठा होता है या शत्रु से पीड़ित होता है या पाप ग्रहों से दष्ट होता है, तो यह चंद्रमा दुखी, दुर्बुद्धि, दरिद्रता, दुर्भाग्य और दुर्गति प्रदान कर देता है। ऐसे चंद्रमा को ठीक करने के लिए बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे इन नंबरों पर आप वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करिए। घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी आप क्यों ना रहते हो, वहीं से आप बिना किसी झिझक के मुझसे चर्चा करिए। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, हमारे महान संतों ऋषि मुनियों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थोड़े से उपाय खोजे थे, उन उपायों के माध्यम से, जो छोटे छोटे उपाय हैं, आप इस प्रकार के चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं और सुख शांति सौभाग्य ऐश्वर्य की वर्षा इन्हीं चंद्रमा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, धनी बना सकते हैं, सर्वगुण संपन्न बना सकते हैं। किंतु उसके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। आशा करता हूँ कि 14वीं मास्टर क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में गुरुजी ने हमें ये समझाया कि चंद्रमा देवता के द्वितीय भाव में विराजमान होने पर क्या फल जातक को मिलते हैं, क्या शुभ और अशुभ प्रभाव इसके होते हैं। कल की मास्टर क्लास में चर्चा होगी कि चंद्रमा देवता यदि कुंडली के तृतीय भाव में यदि विराजमान हो जाए तो इसके क्या शुभ और अशुभ फल जातक को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ रोज की तरह ही आप इन मास्टर क्लास के साथ जुड़े रहेंगे। अपना प्यार इन वीडियोस को जरूर दें, इन वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपने प्रश्नों को छोड़ दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे सनातन धर्म की इस अनमोल
ज्ञान को और परंपरा को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त। मुलाकात होगी कल की मास्टर क्लास में, तब तक के लिए जय शनि। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैंने आप सभी लोगों की परेशानियों को देखते हुए समझते हुए आपका जन्म कुंडलियों का डीप अध्ययन करने के पश्चात जो कुछ समझा है इतने वर्षों के दौरान, उसे मैंने सर्वशक्तिशाली सुदर्शन लॉकेट के अंदर समाहित किया है। यह सर्वशक्तिशाली सुदर्शन लॉकेट जिसमें समस्त नवग्रह देवता, सब शिशु देव, चंद्र देव, मंगल देवता, बुध देवता, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, राहु महाराज और केतु महाराज के रतन या उपरतन तो लगे ही हुए हैं 6 कैरेट वजन के अराउंड। उसके अलावा इस पृथ्वी पर मौजूद भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र का जो प्रतीक है गोमती चक्र के रूप में, वह भी इस लॉकेट के अंदर हमने समाहित किया है। और इस सुदर्शन लॉकेट को मैंने भगवान विष्णु, मां महालक्ष्मी, समस्त नवग्रह देवताओं के अलावा हनुमान बाबा के मंत्रों से भी सुसज्जित किया है, जागृत किया है, प्राण प्रतिष्ठित किया है, मंत्र सिद्ध किया है। आप सभी लोगों की विभिन्न प्रकार की अलग अलग सब तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए यह महाशक्तिशाली चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट हर एक पहनने वाले व्यक्ति को उसकी विभिन्न प्रकार की परेशानियों में धीमे 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 लाभ पहुंचाता चला जाता है, उसके जीवन में खुशियां प्रदान करता चला जाता है, उसके चेहरे की चमक और रौनक बढ़ती चली जाती है, धीमे धीमे उसकी परेशानियां कम होती चली जाती हैं और घर में सुख शांति सौभाग्य निरंतर बढ़ता चला जाता है। ऐसे अब अद्भुत सुदर्शन लॉकेट को आप घर बैठे भी हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से मंगवा सकते हैं। अपने नाम से पूजा करवाकर आप इसे धारण कर सकते हैं। मैं स्वयं इस सुदर्शन लॉकेट को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करता हूं। अपनी 33 वर्षों की जो मेरी मंत्र साधना है, उस मंत्र साधना के बल पर मैं इस सुदर्शन लॉकेट को आप सभी के लिए मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करके तैयार करता हूं। तो आप अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर बिना किसी झिझक के सुबह 10:30 से लेकर शाम को 6:30 के बीच में कभी भी फोन करके या फिर 24 घंटे कभी भी व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर आप बिना किसी झिझक के घर बैठकर या हमारी शनि पीठ 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर इस चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को आप मंगवा सकते हैं या यहां आकर धारण कर सकते हैं। जय शनिदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।